हेलो दोस्तों, आप सभी का लवली पीजीजी के टॉप स्टडी में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन पर 5 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा देश है दोस्तों? रूस, जापान, अमेरिका, भारत? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा ए। फिर अपना अगला सवाल है, कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? चिटोनी, कोयल, तोता, हंस? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चिटोनी, आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ए। फिर अपना सवाल नंबर 3 है, अपना सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, अरुण वरह ग्रह, पृथ्वी ग्रह? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें आपका दोस्तों राइट हो जाएगा मंगल ग्रह, क्या हो जाएगा दोस्तों मंगल। फिर अपना अगला सवाल है, शेर का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? किसका पूछा है दोस्तों? शेर का। शेर का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 10 साल, 20 साल, 30 साल या फिर 50 साल? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 साल। ठीक है दोस्तों, फिर अपना अगला सवाल है, नारायणी गर्म झरना कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर अपना अगला सवाल है, चाय के तुरंत बाद क्या खाने से इंसान की मौत हो सकती है? आलू, खिचड़ी, बिस्किट या फिर नींबू? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नींबू, क्या नींबू। फिर अपना अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया दोस्तों? सन 1914 में, सन 1757 में, सन 1526 में, सन 1575 में? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1526 में। फिर अपना अगला सवाल है, गणेश जी की बहन का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? अशोक सुंदरी, सीता, कविता
या फिर राधा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक सुंदरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक सुंदरी। फिर अपना अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? भगत सिंह, राजीव गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था दोस्तों? में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। फिर अपना अगला सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति? मैं 7 करोड़। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज्यादा किसने जीता था? मैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनू कुमार ने, असीम नरूला ने, विनीता जैन ने, या फिर अजित गुप्ता ने? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा असीम नरूला ने। राइट हो जाएगा आपका बी। फिर अपना अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल, गोवा, गुजरात, राजस्थान। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जो अब तो तक पानी नहीं पीता? घोड़ा, ऊंट, कंगारू, सीता। इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कंगारू। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंगारू। फिर अपना अगला सवाल है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों मलेशिया, भारत, नेपाल, ब्राज़ील। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील। फिर अपना अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? केसरिया, पीला, हरा, लाल। कौन सा रंग हो जाएगा दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केसरिया। कौन सा? केसरिया। राइट हो जाएगा दोस्तों ए। फिर अपना अगला सवाल है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यधिक अभिमान करना, या फिर विवेक से काम लेना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यधिक प्रशंसा करना। फिर अपना अगला सवाल है, भारत देश का सबसे लोकप्रिय खेल
खेल कौन सा है? रस्सी कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, खो-खो। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या करना है दोस्तों? कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि आपको और हमें सपोर्ट मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।